नमस्कार, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे 1 जुलाई से होने वाले बदलाव के बारे में। 1 जुलाई से होने वाले बदलाव का असर हमारे जीवन और आपके जीवन पर पड़ने वाला है। दरअसल इस बदलाव के बाद से कहा जा रहा है कि आर्थिक रूप से आपको असर दिखने को मिलेगा। बताया जा रहा है कि इस दिन से EMI महंगी हो सकती है। क्रिप्टो करेंसी की यदि आप ट्रेडिंग करते हैं तो इसमें भी मुश्किलें बढ़ने वाली है। अगर आप डीमैट अकाउंट चलाते हैं तो आपको पैन और आधार से जुड़े कामों का निपटारा करने की ज़रूरत है। तो चलिए अब जानते हैं 1 जुलाई से होने वाले बदलाव के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक को लेकर। अगर आपके पास आधार कार्ड को पैन कार्ड से के साथ लिंक नहीं करवाया है तो हर हाल में 30 जून 2022 से पहले ये काम जरूर कर लें, क्योंकि 30 जून के बाद से आपको दोगुनी पेनल्टी का भुगतान करना होगा। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि 1 अप्रैल 2022 से पैन कार्ड को आधार के साथ लिंक करने के 500 रुपये पेनल्टी भरना होता है। लेकिन आप 30 जून 2022 तक अगर आप लिंक नहीं करवाते हैं तो 1 जुलाई से 1000 रुपये आपको पेनल्टी के रूप में लग सकता है। CBDT ने कहा है कि टैक्स पेयर को कोई असुविधा नहीं हो, इसके लिए उन्हें ये सुविधा दी जा रही है कि वे पैन के साथ आधार 31 मार्च 2023 तक लिंक कर सकते हैं। हालांकि इस दौरान उन्हें पेनल्टी का भुगतान करना होगा। होम लोन EMI में होगा बदलाव। 1 जुलाई 2022 से होम लोन महंगी होने की बात कही जा रही है। मीडियम चल रही खबरों की माने तो कहा जा रहा है कि 1 जुलाई 2022 को उन लोगों को होम लोन महंगी हो जाएगी जिनके होम लोन के रिसेट 1 जुलाई 2022 से है। ऐसे में जुलाई महीने से आपका होम लोन EMI महंगी हो जाएगी। RBI के रेपो रेट बढ़ने के फैसले के बाद से सभी बैंकों और हाउस फाइनेंशियल कंपनी के होम लोन महंगा हो गया है। एक उदाहरण से अगर हम समझने की कोशिश करें तो 20 साल के लिए आपने किसी बैंक से 20 लाख रुपए लिए होम लोन के रूप में, उस समय जो उसका ब्याज दर था वो 7.2% के हिसाब से आपने लिया, तब आपकी जो EMI थी वो 15,808 रुपये चुकाना पड़ रहा था हर महीने। अब होम लोन पर ब्याज दर की बढ़ोतरी के बाद से यह दर जो है 7.75% हो गया है। इस लिहाज से अब आपको 16,419 रुपये देना होगा, यानी कि अब आपको हर महीने 611 रुपये ज़्यादा देने होंगे। साथ ही साथ अगर हम पूरे साल की बात कर लें तो 7,332 रुपया अधिक जो है आपको भुगतान करना होगा। जो लोग क्रिप्टो करेंसी में निवेश कर रहे हैं उन्हें यह जरूर जानना चाहिए कि आखिर इसमें क्या बदलाव हो रहा है। दरअसल 1 जुलाई 2022 से क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने वालों को झटका लगने वाला है। बताया जा रहा है कि 1 जुलाई के बाद से सभी क्रिप्टो के ट्रांजैक्शन पर 1% TDS का भुगतान करना होगा। भले ही आप इसका यानी कि आप क्रिप्टो से नुकसान उठा रहे हों या फिर अब नफा में हो यानी कि आपको मुनाफा हो रहा हो, आपको 1% TDS के रूप में काटा ही जाएगा। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि साल 2022-23 से क्रिप्टो करेंसी में होने वाले मुनाफे में 30% टेपिनल गेन टैक्स लगाने का फैसला लिया गया। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि सरकार यह चाह रही है कि क्रिप्टो करेंसी में लेन देन करने वालों का पता लगाया जा सके, साथ ही साथ उस पर नज़र भी बनाई जा सके। डीमैट अकाउंट का करवाना होगा KYC। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट है और आपके पास KYC नहीं करवाया है तो अभी भी आपके पास समय बचा है। आप 30 जून तक डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट का KYC करवा सकते हैं। साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि शेयर बाजार को चलाने वाली SEBI के अनुसार वर्तमान में जारी डीमैट खाते और ट्रेडिंग अकाउंट का KYC 30 जून तक किया जा सकता है। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि यह वन टाइम एक्सटेंशन है और इस अवधि के दौरान जो डीमैट खाताधारक अपने डीमैट अकाउंट का KYC नहीं करवा सकते उन्हें KYC कराना होगा। साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि किसी भी डीमैट अकाउंट को 6 जानकारियों के साथ KYC करना जरूरी है, लेकिन अभी तक डीमैट खातों में 6 जो KYC के मापदंड हैं उसमें अपडेट नहीं किया गया है। बता दें कि डीमैट खातों में नाम, पता, पैन, मोबाइल नंबर, वैलिड ईमेल ID, आय सीमा शामिल है। आपको बता दें कि 1 जून 2021 से जो नए डीमैट खाता धारक हैं उन्हें 6 KYC करवाना जरूरी है, यानी कि उन्हें जो है यह पूरा फुलफिल करना होगा। गैस सिलेंडर के दाम में हो सकता है संशोधन, यानी कि या तो बढ़ोतरी होगी या फिर कमी होने की बात कही जा रही है। बता दें कि हर महीने की 1 तारीख को गैस सिलेंडर के दामों में संशोधन होता है, यानी कि उस दिन जो है उसको लेकर
बातचीत होती है उसमें आय और विक्रय की बात कही जाती है। ये पूरा पेट्रोलियम जितना है उन सब पे ये लागू होता है। ऐसे में यह उम्मीद की जा रही है कि 1 जुलाई से ही गैस सिलेंडर के दामों में भी बढ़ोतरी हो सकती है। आपको बता दें कि पिछले दिनों गैस सिलेंडर के दामों को लेकर कई तरह के अपडेट सामने आए थे। ऐसे में यह कहा जा रहा है कि 1 जुलाई के बाद से रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी या फिर कमी देखने को मिल सकती है। तो ये थे 1 जुलाई से जुड़ी हुई खबर, जिसमें कि कई चीज़ों में बदलाव होने की संभावना जताई गई है। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।